स्क्रिप्ट तैयार की गई थी जब कौमी एकता दल वाला इशू चला था, बीच में एकदम से एक स्टेटमेंट आया था, पहले भी हटा दिया गया, उसका विलय खत्म कर दिया गया, फिर एक स्टेटमेंट आया कि फिर उनको लिया जाएगा। ये वहां से जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसमें कोई दूसरा पेज लग गया। अब इस वक्त जो पेज है वो दूसरा है, वो जो स्क्रिप्ट थी वो खत्म हो गई। मुझे लगा था, उनको ऐसा लग रहा था, स्क्रिप्टिंग तो तब होती है जब चीजें पहले से तय होती हैं, तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी लेकर चलना है। लेकिन अभी जो हालात बन गए, इस हालात के तहत इसका अंदाजा न माननीय मुलायम सिंह को था, न ही उनके किसी और लोगों को था। लेकिन यहाँ पर यह बहुत गंभीर मामला हो गया। यहाँ पर आते आते अब ये पारिवारिक कलह हो गई, अब ये दोनों की लड़ाई इख्तदार की लड़ाई हो गई। हम पावर में हैं या तुम पावर में हो, ये जनता तय करके दिखाएगी। लिहाजा जनता की फिक्र किसी को नहीं है, ये अपनी अपनी ताकत की लड़ाई दिखा रहे हैं दोनों, चचा और भतीजे। लिहाजा इसमें अब कहीं ना कहीं फंस गए माननीय मुलायम सिंह यादव कि अब करें क्या इस स्थिति में, क्योंकि बेटा भी मुख्यमंत्री 5 साल लगभग हो ही गया, अब वो भी मुख्यमंत्री है। हाँ। तो अब उसको ये तो इनकार नहीं कर सकते कि आप वो मुख्यमंत्री नहीं है। लिहाजा अब शिवपाल को किस जगह पर रखेंगे, शिवपाल की भी योगदान पार्टी के लिए इतना है कि उसको भी वो नकार नहीं सकते। लेकिन अब दोनों में लड़ाई छिड़ गई है ताकत की, लिहाजा इस ताकत की लड़ाई में समाजवादी पार्टी बिल्कुल हाशिए पे जाने वाली है, और 17 में उसका रिजल्ट देखेंगे कि बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, और उस लीडरशिप को कौन चलाएगा आगे, उसकी लड़ाई को लेकर अखिलेश और शिवपाल में जंग चल रही है। गोविंद पंत जी, सेम सवाल मेरा आपसे भी,